Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Another week, another vlog, and this background is different. That is because we are no longer in Pakistan. Okay, मैंने कितनी दफा सोचा है. I have gone through this introduction a multiple time. I get so emotional just thinking about the fact that we are no longer living in Pakistan, and it is a very bittersweet feeling because मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान छोड़ेंगे. I've always thought that I would live there forever, you know. But yeah, here we are in sunny London. As I say that, it's raining outside. So many emotions. तो आप सब सोच रहे होंगे, it's so sad. Why did we leave Pakistan? Well, हर किसी के अपने अपने reasons होते हैं. I feel like for us personally, we just felt that we could give Aliyan a better quality of life. I'm sure बहुत सारे लोग इस बात पे debate करेंगे कि really can. Because obviously हर किसी की definition of quality of life is different. तो हम लोगों ने, हमें पता चला था कि हम मूव कर रहे हैं, लाइक कन्फर्म हुआ था जब हम लोग उमरा करके आए थे. और मैंने उमरा में बहुत लोग मांगी थी कि जस्ट अलमिया शो मी द राइट वे, शो मी इफ दिस इज इट, इफ दिस इज वेयर लाइफ इज सपोज टू टेक मी, देन आई वॉन्ट दिस टू बी द बेस्ट थिंग फॉर अस एज अ फैमिली. आई फील लाइक इट डिड हेल्प क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड. सो हियर वी आर. I did start packing as soon as we got to know, because there was a lot to pack. Packing your whole life somewhere is not an easy task. It is always going to be like mess, gonna make you feel anxious and overwhelmed, and there is basically no easy way to do it. We did come up with a system ki kis tarah se hame pack karna hai. This is the packing up our lives vlog, and it is going to take you back to our old room in Pakistan where we're going to be packing up our stuff. Let's go. Guys, today I am cleaning out my makeup drawers. Basically raat hai, I'm waiting for Noman, he's still not home. He's been working so late just to, like, you know, prep for everything before we leave. I have quite a lot of lip products which I am not using, so I'm going to give those away to the girl who works for us. बाकी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करूँगी. मैं देखूँगी क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है. कुछ मम्मा को दे सकते हैं, कुछ मैं अपनी मदर इन लॉ को दे सकती हूँ, सिस्टर इन लॉ को दे सकती हूँ, लाइक बहुत लोग हैं देने के लिए. तो फिलहाल ये कर रहे हैं, लेट्स गो. गाइज़, अभी मैं जो है आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं पीछे अपनी मेकअप ड्रॉअर सॉर्ट आउट कर रही थी, मगर आलियान को कॉट में खेलना है मम्मा के साथ. और सारे बनीज आ रहे हैं अंदर. ऑल द बनीज आर कमिंग इन. ओ बॉय, अली जगह कैसे होगी सबकी, इसका गेट सो क्राउडेड. ओके गाइस, लाइफ सॉर्टिंग आउट हैज बिगन, द पैकिंग प्रोसेस हैज बिगन. ओह नो, आई थिंक ये स्वेटर काम आएगा. आई एम गोना कीप दिस, गोना कीप द स्वेटर. बट वी आर हियर एट माय इन-लॉज. आई वॉज थिंकिंग कि पैकिंग मैक्सिमम जो हो सकती है इस क्लोजेट की हम कर लें. आई हैव आस्क्ड माय मॉम टू कम एंड हेल्प मी सॉर्ट ऑफ सी व्हिच क्लोथ्स आई वांट टू कीप एंड सी व्हिच क्लोथ्स आई डोंट वांट टू कीप एंड देन हेल्प मी पैक. मैंने एक सारे ब्लेजर्स तो निकाल लिए. आई फील लाइक वी कैन पैक दोस. विल नॉट बी यूजिंग दैम इन द टाइम फ्रेम दैट आई एम गोना बी हियर, बट वी हैव अ सिस्टम. एक पैकिंग का सिस्टम हमने बना लिया है कि हम किस चीज़ में क्या डाल रहे हैं, किन किन बॉक्सेस में क्या जा रहा है, सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट जब हम वहाँ पहुँचें कि क्या क्या चल रहा है. कलेक्टेड क्वाइट अ लॉट ऑफ गर्म कपड़े जो कितने इस्तेमाल नहीं होते कराची की सर्दियों में. गर्म, या सो आई फील लाइक नाउ वी हैव रीजन टू यूज़ दैम. पर्पस, दे हैव बीन गिवन अ न्यू पर्पस. हाँ, कट वर्क वाला. फिर जोया हुसैन, ओके ओके, फिर जोया हुसैन का पिंक टाई डाई ड्रेस, ये फिर सो वेयर्स का पिंक स्मोकिंग ड्रेस. हाँ, केओस हैज टेकन अनदर टर्न. अब हम देसी आउटफिट्स को कर रहे हैं. एंड माय गॉड, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू नॉट टेक? When you have to pack your whole life, how do you decide? Hello everyone, and I'm in a mood. Okay, I want to
clean stuff. I have too much stuff. We need to get rid of a lot of stuff. One drawer I have really like been wanting to clean for a while here. Guys, all clean. I don't think it has ever been this empty. Like ever. I got rid of everything. Yahan se bhi downsized, giving away a lot of stuff. Guys, day two of packing. Aaj ka plan hai this drawer and my jeans. I've taken some stuff out for Alishpa. I'm gonna give this to her. I think she's gonna fit into this. Doesn't fit me. Okay, I'm contemplating taking these leather pants, but I think they look nice. They fit me well. Pehle mujhe loose thi, but after Alian, size 26 is my waist. Sorry, mujhe hichki aa rahi hai. Size 26 is my waist, but I feel like they're fine, and I don't even have to suck my stomach in. Like, this is just my stomach. The update. Maine jeans sort out kar liye hain. These are the jeans and lowers I am taking. These I am not taking. That I might sell because usme bilkul new jeans hain. We've got a lot of cuts. Oh goodness. Let's take them out. Okay, so this is the situation at the moment. We have all the bed sheets packed. Maine kya kiya, maine na takiye ke ghilaf mein sheet aur dusra takiye ka ghilaf dal diya taki ek saath rahe. Ji baby. Also in a pile, aur baki sare bed sheets and duvet covers are also in the pile. I've left ye sare pillow cases hain, like the chote cushion covers jo hain. I've left some here. जो कि फिलहाल इस्तेमाल की हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी स्टिल हैव अ मंथ टू गो. तो आई हैव लेफ्ट सम इन दिस एंड इन दैट, बट बाकी वो जस्ट गोना पैक अप. लिस्टेड एवरीथिंग डाउन और मैंने ना हर चीज़ को नंबर दे दिया है, और इसी सीक्वेंस से हम इसको बॉक्सेस में डालेंगे, सो दैट वी नो कि कौन सा नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक किस बॉक्स में है, और अगर हम लोगों को वो बॉक्स खोलना हो तो हम वही बॉक्स खोलें. सो होपफुली दिस विल मेक इट ईजी. हम लोग ने कपड़ों के साथ भी यही किया है. I do need to revisit these actually. Abhi Numan aur Alian are left home. We have started. I'm going to also do towels here. And yeah. Guys, 1 baj raha hai. Sheets, bed sheets all packed. All numbered and they're in. Kamre ki bed sheet bhi change ho gayi hai. Kamra thoda sa tarike mein aa gaya hai. Chote baby ko sulana hai. Bahut late ho gaya. Guys, packing day 3-4. Stuff's coming out, bags are coming out. ये वाला खाना empty हो रहा है. बहुत बेदर्दी से रखे हुए थे ये सारी चीज़ें, so this is going to be sorted. Guys, all the bags here have been packed. मैंने कुछ छोड़ दिए हैं इधर. Like when I come back, this I'm gonna keep in a suitcase because ये I think खराब हो जाएगा उसमें. There we go. This is what is left. I don't know if I should be happy or sad.
ऑनेस्टली मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है. जस्ट फील लाइक माई मॉम केम टूडे एंड शी इज जस्ट यू सो सैड बिकॉज मेरे सारे बहन भाई आपको पहले पता बाहर हैं और अब हम भी चले जाएंगे. दे आर गोना बी ऑल अलोन. ओके आई डोंट वांट टू क्राई बट या थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी रियल नाउ. इट्स नॉट अ पिक्चर इट्स अ वीडियो बेबी. Ali ki wawa. Guys, it is now officially time to pack the shoes. These are the heels I am leaving behind. Aur ek box pack ho gaya. I'm glad ki mere paas iske boxes hain, so this is gonna go in the boxes. Then we have some more boxes. Jiska I'm not sure ki abhi hum kya karenge. So let's guys. News update. Movers are coming tomorrow to have like a general assessment ke kya kya cheeze hain jo jaani hain and we need to get everything to the apartment tomorrow because obviously move apartment se hai hamara majority stuff is there. I don't even know where we're going to be staying, here or there, but technically we only have 2 weeks left now, not even 2 weeks, like a week and a half. हालत थोड़ी सी टाइट हुई हुई है क्योंकि बहुत काम करना है. स्टफ इज बीन पैक्ड. इसको पैक करना लिटरली सबर का इम्तिहान था बट वी डिड इट. नाउ इट्स ऑल पैक्ड, रेडी टू गो टुमारो. गाइस नाउ वी हैव टू टैकल दिस किस ये जाएगा. इसको हम भरा हुआ जाने नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आलियान के कपड़े हैं. तो ये सामान पैक होना होगा. दिस पिक्चर इज ऑल्सो गोइंग. आई एम नॉट श्योर इफ वी गोना टेक दीस फोटोज. आई रियली वॉन्ट टू बट लेट्स सी. दिस रैक इज गोना गो सो ऑब्वियसली ये भी खाली होना. गाइस नुमान हैज स्टार्टेड हिज पैकिंग. वी आर ऑन द सेकंड थैला. आई हैव रिटन सम स्टफ डाउन. अ लॉट मोर टू डू. नो गाइस इट इज moving everything to Imardi. सोफे हमने बिल्कुल शादी के बाद बनवाए थे. एंड दिस ऑटोमन ऑल्सो हैज़ लाइक स्पेस. पिक्चर्स भी यहाँ से उतर गई हैं. दीज पिक्चर्स विल ऑल्सो बी कमिंग. दिस विल ऑल्सो बी गोइंग. दीज विल बी गोइंग. दिस विल बी गोइंग. ये वी कैन नॉट टेक एज दिस इज बिल्ट इन टू द वॉल. बट या दीज आर ऑल द विंटर क्लोथ्स जो कि ऑब्वियसली हम इमारने लेके गए थे. हमारे पास जगह नहीं थी वहाँ पे तो हमने यहीं छोड़ दिए थे. कुछ आधे ही कपड़े थे हमने यहीं छोड़ दिए थे तो वो सब यहीं है. यहाँ पे ज्वेलरी मेकअप जो है वो हाल भी नहीं लगाया गया. नीड टू डू दैट स्टिल. आई कॉन्ट बिलीव एक हफ्ते में हमारी फ्लाइट कैसे होगा. मम्मी कैसे होगा सब एक हफ्ते में हो जाएगा. That is the positive response I was looking for. Let's go have some breakfast. Guys, look. These are also abhi bilkul khali ho jayega. Naman's sister just got married. She's left. And we're also leaving. Guys, it's going. Console's gone. Toy rack's gone. Sofa's going. It's happening. Things been backed up. We are taking it all to Imar and it's so weird. Hum log ne abhi like Imar proper set kiya tha. Hame koi ek saal ho gaya hoga but it is time to go. Abhi hum log ye baat kar rahe the ki raat mein jo hamari like night chillings hoti thi and Ramzan vibe and everything, we're gonna miss that. To bas ab ye hai ki I don't think we're gonna be staying here anymore kyunki ab bed wagaira sab wapas ja raha hai. And a lot of stuff is going to be packed up, so it just makes more sense to not stay here and just come here. Jahan pe final move hoga. Are you gonna miss everything? Yeah. Ready for London night? All the stuff is here. ये सोफ़ा जो है ये जा रहा है और दूसरा सोफ़ा ऑब्वियसली इसकी इन प्लेस आ जाएगा. दिस सोफ़ा वी आर नॉट टेकिंग विद अस. वी आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स.
This TV, we're not taking, we're leaving that behind. Taking everything else out. But yeah, this dining table, we're not taking. So if you want to buy this dining table with these chairs is gone. It's all empty. Or, yeah, the room is very empty now. थोड़ी सी पैकिंग करनी है यहाँ पे, बिकॉज अब हम लोग ने सोच लिया है कि हम वर गोना बी शिफ्टिंग बैक टू माई इन लॉज. सो आई एम जस्ट लाइक कीपिंग स्टफ हियर. जो फाइनल मूव होगा ऑब्वियसली वो यहाँ से है, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टफ इज हेयर. हमने सिर्फ पैकिंग वाला सामान वहाँ रखा है और कुछ भी नहीं रखा है. यहाँ की भी लाइक वो जो होल्स नहीं होते वॉल के अंदर वो भी फिल हो गए. There we go. Bye, house. I will love you. You're a mess now. Look, this room is like really messy. But bye bye. Back to our in-laws. बहुत ही कोई तेज हवा चल रही है भैया आज. हवा चल रही है. We just got a few last minute things. अब हम जा रहे हैं कुछ electronic appliances देखने. Probably my good Imtiaz. I feel like मैंने कोई context नहीं दिया because things have been really haphazard recently. मगर जो शादी हुई थी उसकी दावत है आज एक at my mom's. So we're here and I'm just turning on the AC because गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं कराची में. Last minute दावत at mom's. Oh my goodness, we have so much yummy stuff. I'm gonna miss my mom's nihari so much and her bihari kebab. Oh god, and her white kadhai. Basically I'm gonna miss everything on this table. This is my comfort food. Guys, today was the last daawat I think we're gonna attend in a while at my mom's house. And that just made me so sad. Just wajah se maine aur vlog nahi kiya. I just felt so emotional. Yeah, all good things must come to an end.